आज हम न्यू कंपाउंड 7 सेकंड एडिशन चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13 बी के क्वेश्चन 6 7 एंड 8 करेंगे और ये हमारी 14th वीडियो है। इससे पहले हम 13 वीडियो बना चुके हैं। आप इस चैप्टर को विजिट करें और मां वीडियोस को आप देख सकते हैं और आप सीख जाएंगे कि ट्रायंगल किस तरह बनाई जाती है। इस चैप्टर में काफी किस्म की ट्रायंगल्स हैं जो कि आपको मिल सकती है। प्राइम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी जिसमें वे मेजरमेंट एबी एंड मेजरमेंट बीसी 3.8 सेंटीमीटर है एंड मेजरमेंट एसी इज 4.5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट करने के बाद मेजर एंगल एबीसी एंड एंगल एसीबी हमने इनको मेजर करना है जो बनेंगे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स, तो एंगल्स के दरमियान रिलेशन क्या है। इसको कंसेप्ट करने से पहले आपको याद दिला दूं, लर्निंग लिस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। दोस्तों रिश्तेदारों क्लास फेलोज को बताएं ताकि वो भी ज्योमेट्री सीख सके। थैंक यू। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए सी 4.5 सेंटीमीटर लेंगे। यहां जीरो से लेकर ये 4.5 सेंटीमीटर है, ए सी 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने 3.8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है। ये मैंने 3.8 सेंटीमीटर इसको खोला हुआ है, मैं आपको चेक करा देता हूं। यहां से तकरीबन लेकर यहां तक ये 3.8 है, 4 से थोड़ा सा कम 2. अब हम ए पर रखकर एक आर्क लगाएंगे और फिर सी पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट किया है। बी को हम ए के साथ और सी के साथ मिला देंगे। ए के साथ ज्वाइन किया और फिर हमने सी के साथ ज्वाइन किया। ये भी 3.8 है और ये भी 3.8 है। तो ये एक ऐसी ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, स्केलिंग ट्रायंगल, और जिसकी वन साइड इक्वल होती है उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये थे हमारे ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड। इसके बाद हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्टूडेंट अभी जो हमने ट्रायंगल बनाई थी ए बी सी, आज हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट 4.5 सेंटीमीटर। ए सी हमने एक लाइन सेगमेंट 4.5 सेंटीमीटर लगाई थी, यहां पे हम लिख देते हैं ए सी एक लाइन सेगमेंट लगाई 4.5 सेंटीमीटर की। ए को सेंटर लेकर हमने 3.8 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई। ए एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.8 सेंटीमीटर रेडियस। फिर यही काम हमने रिपीट किया ए सी पर। सी एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.8 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट फर्स्ट आर्क एट पॉइंट बी, जिसने पहली आर्क को बी पर इंटरसेक्ट किया। इस तरह से हमें एक बी पॉइंट मिल गया। ज्वाइन बी टू ए एंड सी, बी को हमने ए और सी से ज्वाइन कर दिया। ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम 7 क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें भी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं। कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल एबीसी विद मेजरमेंट एबी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मेजरमेंट बीसी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल एबीसी 30 है। तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर
कि एक लाइन लेंगे ये 3 सेंटीमीटर की एक लाइन है, ये बहुत छोटी है, इसको अगर हम बढ़ा दें तो जी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको बढ़ा लेते हैं, देखेंगे हम 3 ही इसका, थ्री सेंटीमीटर हमने ए भी एक लाइन सेगमेंट ली। उसके बाद बी पर हमने 30 का एंगल बनाना है, 30 का एंगल एक कमेंट में मुझे कहा गया था कि 30 के एंगल की वजाहत करें, मैंने वो लिंक भेज दिया था, लेकिन आज फिर हम इस 30 के एंगल को बनाते हैं, गौर से देखना। सूटेबल रेडियस की कंपास खुली रहेगी, हमने कार्ब लगाएंगे, ये हाथ है कंपास उतनी खुले रहेगी, एक और आर्क हम लगाएंगे, ये हमारा 60 का एंगल है, 60 के एंगल के बाद हम ये 0 है ये 60 है, इन दोनों पर रखकर हम दो आर्क लगाएंगे, एक आर्क और दूसरी भी लगाते हैं, ये दूसरी आर्क है, इन जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है इसको हम मिला देते हैं बी के साथ, तो ये हमारा 30 का एंगल है, ये 60 का है और ये 30 का, और अब 30 के एंगल पर हमने 4 सेंटीमीटर यानी कि बी सी 4 सेंटीमीटर के आर्क लगानी है, इसका हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, ये हमारा एफ पॉइंट हो जाएगा। अब यहां पर हमने 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है, 4 सेंटीमीटर की कंपास हम खोल लेते हैं, यानी 4 सेंटीमीटर की कंपास खोल ली, एक आर्क लगाएंगे, ये 4 सेंटीमीटर की आर्क है, अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ये जो हमारा पॉइंट था जहां पर इंटरसेक्ट किया उसने, ये पॉइंट सी है, सी को हम ज्वाइन करेंगे ए के साथ, तो ये हमारी ट्राइंगल बन गई, एक साइड इसकी 3 सेंटीमीटर है, दूसरी 4 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ हमें एंगल 30 का, तो ये थी मेरी ट्राइंगल आए, आप हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्टूडेंट अभी जो हमने ये ट्राइंगल बनाई, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ए बी is equal to 3 cm, B as a center, draw an angle ABF is equal to 30 degree, B पर हमने एक angle बनाया था ABF 30 degree का, फिर हमने B as a center, draw an arc of 4 cm radius, B को भी center लेकर हमने 4 cm radius के arc लगाई, which intersect BF एट पॉइंट सी, जिसने बी एफ को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया, ज्वाइन सी एंड ए, सी को ए के साथ हमने ज्वाइन कर दिया, सो ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, तो ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, इसके बाद हम आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, वो 15th वीडियो होगी। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट द इक्विलेटरल।
equilateral triangle ABC with sides of length 5 cm. Equilateral का मतलब होता है उसकी तीनों साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की होंगी. मार्क द मिड पॉइंट D ऑफ BC. BC पर हम एक मिड पॉइंट लगाएंगे D. जॉइन A और D, A और D को जॉइन करेंगे और एंड पर हम देखेंगे कि हमारा जो एंगल बनता है ADB वो कौन सा एंगल है. क्वेश्चन नंबर 6 में लास्ट में पॉइंट था कि वो जो दोनों एंगल बनेंगे वो बताने हैं कि वो कौन से एंगल हैं. तो वो मैं उस पर आप जब वीडियो पोस्ट करूंगा तो देख लूंगा कि वो कौन से एंगल हैं, दोनों का आपस में रिलेशन क्या है. तो रिलेशन ये है कि दोनों एंगल आपस में इक्वल है. तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं. कंस्ट्रक्ट करने से पहले ट्रायंगल आपको बता दूं कि लर्नर जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहे. हम कंस्ट्रक्ट करते हैं. सबसे पहले हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे 5 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर एबी ये हम बी सी बना लेते हैं. बी सी 5 सेंटीमीटर है. इसके बाद हम दूसरी दोनों की जो इसकी साइड्स होंगी वो भी सेम इक्वल होंगी. इसका मेजरमेंट ले लेते हैं. अब जितनी इसकी मेजरमेंट है उसी हम रेडियस की आर्क लगा लेते हैं और इधर भी एक आर्क लगा लेते हैं. दोनों आर्क से एक दूसरे को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है. अब ए को हम सी के साथ और बी के साथ मिला देंगे. ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है. तो यहां पे इसके बिल्कुल मिड में एक हमने जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो 2.5 ये मिड पॉइंट बनेगा. यहां पे एक हमने पॉइंट लेना है डी और डी को बना देना है हमने जॉइन कर देना है ए के साथ और फिर हमने यहां पर देखना है कि एंगल कौन सा बनता है. तो एंगल ये देखिए कि 90 का बन रहा है तो ये हमारी ट्रायंगल थी जो हमने कंस्ट्रक्ट की है. अब इसके बाद हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं. स्टूडेंट अभी जो हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की थी उसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है. सबसे पहले हमने बीसी को ड्रॉ किया था. Draw a line segment measurement BC is equal to 5 cm. फिर हमने C पर C को सेंटर लेकर हमने एक आर्क लगाई थी. C as a center draw an arc of 5 cm radius. उसके बाद B को सेंटर लेकर हमने सेम सेंटीमीटर के एक और आर्क लगाई थी. B as a center draw an arc of 5 cm radius which intersect first arc at point A. पहले आप ये लगाई थी बाद में ये लगाई थी. उसने A पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था. जॉइन ए को फिर हमने सी के साथ और बी के साथ लगा दिया था. जॉइन ए टू बी एंड सी. ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल. तो ये हमारी आज की वीडियो की लास्ट क्वेश्चन था. मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर सीखा होगा. अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, कॉमेंट्स दें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें. अगर आप नए हैं, अगर आप पुराने हैं तो आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया.